ओके लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज कर रखी हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेट अवे आगे बढ़ूंगा, जहां से हमने करना है वहां पे आता हूँ। ओके, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक डाउट मेरे पास आया है। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर टू, देयर वाज अ डाउट फ्रॉम समृद्धि, राइट? हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द सॉल्व एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर डी शर्मा चैप्टर। आर डी शर्मा एक्स आई थिंक 4.8 से जस्ट पहले ये सॉल्व एग्जाम्पल्स में दे रखा है। समृद्धि अपना माइक ऑन करना बेटा। यस सर। मेरे ख्याल से आपने इसका सोल्यूशन देखा होगा, और जहां तक मैं आपको समझता हूँ, शायद आपकी प्रॉब्लम ये रही होगी कि साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c, इन्होंने स्ट्रेट अवे 4 टाइम साइन ए साइन बी साइन सी कैसे लिख दिया। आई थिंक दैट इज द मेन प्रॉब्लम, करेक्ट? यस सर। राइट, बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, यस सर। राइट? मुझे लग रहा था कि इसी में आपको परेशानी आई होगी। चलो भाई देखो, लेट अस सी। सो वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? और हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसे होगा। देखो, साइन इनवर्स एक एंगल होता है, ये बात तो हम लोग जानते हैं, ठीक है? साइन इनवर्स इज एन एंगल, तो मैं इसको एंगल ए ले लेता हूँ। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई को बी ले लेता हूँ। इसको ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, इसको सी ले रहा हूँ। तो हमें एक्चुअली में ये बात दे रखी है दैट ए प्लस बी प्लस सी इज पाई। वी कैन ऑल्सो से दैट दीज ए बी सी मेक अ ट्राइंगल, बिकॉज यस सर। द एंगल इज कमिंग आउट टू बी द सम ऑफ द एंगल्स इज कमिंग आउट टू बी 180 और पाई, दैट इज ऑल द सेम। सो डेफिनेटली दे थ्री कैन मेक अ ट्राइंगल, ठीक है? एज दे मेक अ ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है? हमें देखो, पहली चीज तो ये है कि मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ दैट व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आपके सोचने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। मैं स्ट्रेट अवे सॉल्व भी कर सकता था, बट एज यूजुअल आई वुड रादर गो इनटू कि आपके माइंड में क्या चीजें चलनी चाहिए जब आप ये क्वेश्चन देखते हो। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, राइट, अगर मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, तो मेरे माइंड में ये चलता है कि हाँ, ये एक्स वाई जेड से ये बात तो क्लियर है कि इट इज गोइंग टू बी अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के हैं। पहली चीज ये माइंड में आती है। दूसरी चीज जब मैं देखता हूँ, जो मुझे प्रूव करना है, अगर मैं उसको देखता हूँ, तो ये चीज मुझे दिख रही है कि अच्छा, ये साइन ए है, और अगर इसको देखो ध्यान से तो ये कॉस ए दिख रहा है। इसको अगर देखो तो ये साइन बी है और ये कॉस बी दिख रहा है, राइट? सोचने का प्रोसेस समझ में आ रहा है बेटा? ये साइन सी है और ये कॉस सी दिख रहा है। जैसे ही ये वाली चीज दिखनी शुरू होती है, तो एक चीज बहुत क्लियरली दिखने लग जाती है, क्या? कि यहाँ पे अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन टू ए बन जाएगा। यस सर। सिमिलरली ये साइन टू बी और ये साइन टू सी। तो ये वाली चीज, बिकॉज क्या है ना, बुक में तो वो सीधा सीधा कुछ भी सॉल्व कर देते हैं, वो एज्यूम करते हैं कि आपको उसका बेसिक नॉलेज पहले से आता है, क्योंकि वो 11th क्लास में बच्चे ने पढ़ रखा है, तो दे एज्यूम कि आपको आता है। आप अगर आपको नहीं आता है तो बोलते हैं भैया अपने आप जाके रिवाइज करो, ठीक है? तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हमें सोचना कैसे चाहिए था। फर्स्ट थिंग वॉज टू अंडरस्टैंड दैट दीज थ्री थिंग्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एज इट इज इक्वल टू पाई। सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन टू योर माइंड। एंड द सेकेंड थिंग, वेन आई लुक वट हैज टू बी प्रूव्ड, देन आई अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट दिस इज साइन ए, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट इज नथिंग बट कॉस ए। इफ दिस इज बी देन दिस इज साइन बी इंटू कॉस बी एंड सिमिलरली साइन सी इंटू कॉस सी। एंड वी इफ वेन आई लुक साइन ए कॉस ए, इफ आई मल्टीप्लाइड बाई टू आई गेट साइन ऑफ टू ए, सिमिलरली साइन ऑफ टू बी एंड साइन ऑफ टू सी। तो दैट वाज द सेकंड थिंग दैट शुड हैव स्ट्राइक योर माइंड, राइट? ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये चीजें माइंड में आनी चाहिए थी, तो आप सही डायरेक्शन में फिर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज आई तो हमें इस फॉर्मूले का ध्यान आया कि अच्छा ठीक है, ओके, ये चीज होनी चाहिए। अब बात आई कि भाई ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली इन्होंने सीधा यूज कर लिया, तो ठीक है, इन्होंने इसलिए यूज किया बिकॉज ये बुक लिख रहे हैं, ये लिख सकते हैं, इन्होंने 11th में लिख दिया था, 11th में जिसने पढ़ा है उसको ध्यान है, और जो भूल गए वो भूल गए। देखो फिलहाल बहुत इजी है, मैं तुम्हारे लिए इसको प्रूव कर देता हूँ, इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू। सो आई विल स्टार्ट विद द एलएचएस। ध्यान से देखो, एलएचएस से अगर मैं लेता हूँ बेटा, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम लोगों ने क्लास 11th में इस तरह की कोई चीज पढ़ रखी है, साइन सी प्लस साइन डी, एंड बिलीव मी इट इज वेरी यूजफुल। वहां पे भी इस पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपने किए थे और यहाँ भी आप करोगे। साइन सी प्लस साइन डी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू।
कुछ लोग अगर भूल गए हैं तो दोबारा लिखना और बार बार लिखना, cos of c minus d by 2, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, sin of c plus d by 2, sin of c minus d by 2, ठीक है? अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता, अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो यहाँ तुम्हारा cos वाला टर्म होता और यहाँ तुम्हारे पास sin वाला टर्म होता, ठीक है? ये चार फॉर्मूलेज थे जिसको हमने काफी एम्फेसिस दे के आपको कराया था, राइट? अगर आपको ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान में नहीं है तो ये दो फॉर्मूले मैंने लिख दिए, दो और यहीं पे लिख देता हूं। As you are supposed to remember the basic things and the important ones, sin का मैंने लिख दिया, cos का लिख देता हूं, cos c plus cos d, राइट? और एक होता है आपका cos c minus cos d, तो जब प्लस वाला है तो इस केस में इट बिकम्स ट्वाइस cos of c plus d by 2, cos of c minus d by 2, इन सब का प्रूफ भी हम लोगों ने कर रखा है भाई। और यहाँ पे क्या बन जाता है, माइनस sin of c plus d by 2 entire by 2, ठीक है? एंड sin of c minus d by 2। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। आइए, as these things are basic things, अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं था तो लिखो, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा है, रटने से अच्छा है, इट इज ऑलवेज गुड टू राइट एंड अप्लाई इन द क्वेश्चंस, ओके? लेट अस सी दिस, हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे ये आपका सी है, ये डी है, मैं अगर इसमें यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, आई गेट ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, सो ये टू ए और टू बी है, बाई टू और ये वाला टू दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी, साथ में क्या आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी देखता हूँ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ a माइनस ट्वाइस ऑफ b अपॉन टू, तो अपॉन टू और ऊपर वाला टू कैंसिल हो रहा है, और ये जो टू सी है अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं c को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज पाई माइनस दिस थिंग, ये चलो अभी इसको साइन टू सी रहने देते, लास्ट में देखते हैं, अभी लेट इट बी लाइक दैट। अब ये बेटा a प्लस बी को, a प्लस बी को आई वॉन्ट टू राइट इट एज पाई माइनस सी, ठीक है? a प्लस बी को आई वॉन्ट टू राइट इट एज पाई माइनस सी, and I hope you remember that sine of pi minus theta is nothing but sine theta. Sine theta. So this expression is reduced to sine theta. This is twice of sine of c. C. Right? Twice of sine of c. यहाँ मेरे पास रह गया cos of a minus b. और ये जो चीज है बेटा sine 2c, इसको मैं लिखना चाहता हूँ 2 sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. तो 2 sine theta यानी कि 2 sine c मैंने बाहर common लिया है bracket में, यहाँ मेरे पास बच गया बेटा, सिर्फ बच गया cos of c रह गया, ठीक है? और c again, c को मैं क्या लिख सकता हूँ, c को I can write it as pi minus of a plus b, ठीक है? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो I'll just change the color, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, this can be written as cos of pi minus a plus b, a plus b is in the bracket, right? This thing can be written like this. Any problem, Samriti? No sir. I'll erase the right hand side, beta. ये राइट साइड मुझे इरेज करना पड़ेगा, आई नीड सम स्पेस, सो आई एम इरेजिंग इट एंड लेट्स सी, सो हियर वी हैव दिस वैल्यू, एंड इसके आगे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 sin c इज विद अस, और ब्रैकेट में आपके पास cos ऑफ a माइनस b, और आपको मालूम है cos ऑफ pi माइनस थीटा क्या होता है बेटा, चलो लिख देता हूं, ये मेरे पास एक टर्म है cos of a minus b, और cos pi minus theta is minus cos theta, right? Let me remind you all these things comes from class 11th, so it is cos of minus of cos theta, which is cos of a plus b, right? Now this is again what, this is cos c minus cos d, अभी इसका expansion मैंने यहाँ नीचे लिखा था, right? cos c minus cos d क्या था, minus of sin of a plus b by 2, a minus b by 2, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ twice of sin c, यहाँ मैंने लगाया माइनस और 2, अब अगर ये मेरा c है और ये मेरा d है तो होता क्या है, sin of c plus d by 2, जब इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास बचेगा क्या, twice of a upon 2, यानी कि सिर्फ a बचेगा जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो, और जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा बेटा तो a माइनस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, a कैंसिल होगा, आई एम गेटिंग माइनस ऑफ साइन ऑफ 2b अपॉन 2, यानी कि माइनस साइन b, एंड व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, माइनस साइन थीटा इज
साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो ये वाली चीज हो गई साइन बी विद अ नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन इज एडजस्टेड विद दिस एंड हेंस दिस बिकम्स पॉजिटिव एंड ओवरऑल यू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू हैड इन द आरएचएस, फोर टाइम्स साइन ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी. उन्होंने इसको डायरेक्टली यूज कर लिया, बट आई होप अब आपको क्लियर है कैसे यूज करना है. इज इट ओके समृद्धि? यस सर. राइट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो ले लें, मैं इसको इरेज कर देता हूं सो दैट आई कैन सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन. दैट वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट दैट दे यूज्ड इट स्ट्रेट अवे विदाउट गिविंग एनी रीजन एंड आई होप इट इज क्लियर. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन, देन आई विल कम विद द सॉल्यूशन. चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ये वाली चीज हमने प्रूव कर ली, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, आप स्ट्रेट अवे इसको एज एन आइडिया, अगर स्कूल एग्जाम में आपके पास ये आ जाए टू प्रूव दिस, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, जो मैंने अभी स्क्रीन पे छोड़ दिया है, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. आपको ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो तो चलो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लिया, बस आई अंडरस्टैंड कहाँ पे आपको परेशानी आ रही होगी. ओके, तो हम लिख सकते हैं ना, सिंस वी नो दिस, राइट, सिंस वी नो दिस है ना, एंड देन दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट इन योर स्कूल आंसर शीट. नाउ एज यू हैव टेकन साइन इनवर्स एक्स एज ए, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई एज बी एंड साइन इनवर्स जेड एज सी, तो यहां से हम लोग इस पॉइंट पे आ रहे हैं और हमें ये प्रूव करना है, ठीक है. तो मैं अगर इसको देखता हूँ तो यहाँ से सर आगे तो हो जाएगा, राइट, दैट्स वेरी गुड, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है. आपका डाउट था किसी और को, अगर ये क्वेश्चन आगे डिस्कस करना है तो वो अभी मुझे खुल के बता सकता है. सर मुझे, अच्छा चलो भाई कर लेते हैं फिर. ओके ओके, जो बात है कर लेते हैं. देखो तो मैं इसको 2 लिख लूंगा बेटा, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए, ट्वाइस ऑफ साइन बी कॉस बी, ट्वाइस ऑफ साइन सी कॉस सी, राइट, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस. ये 2 मैं कैंसिल करूंगा, मैं मेरे पास देखो कुछ नहीं बचा अभी इस क्वेश्चन में. ये रह गया तुम्हारे पास साइन ऑफ कॉस ए, ये रह गया तुम्हारे पास साइन ऑफ कॉस बी, और ये रह गया तुम्हारे पास साइन सी कॉस सी इज इक्वल टू, ये वाला 2 इधर सब जगह पे 2 था, यहाँ 4 टाइम्स है, तो मैं उस वाले 2 को इससे कैंसिल करता हूँ और ये हो गया तुम्हारे पास साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है. अब कुछ नहीं करना, द क्वेश्चन इज डन. व्हाई? बिकॉज यू नो that sine inverse x is a, so what is sine a? Sine a is definitely x, this is x, right? Cos a ko tum kya likhte ho? 1 minus sine square a likhte ho, yani ki kya likhoge? 1 minus x square, ye kya bana? Ye tumhara y hai, aur cos b kya hai? 1 minus sine square b, which is 1 minus y square, ye kitna hai beta? Z, aur ye kya reh gaya? Similarly 1 minus z square, aur ye is right side pe tumhara as it is wo aa gaya, that's all, thank you. ठीक है सलमान? यस सर. राइट, दैट इज ओके. सो प्राची बेटा थोड़ा पेशेंस रखना, है ना, तुम्हें थोड़ा अभी कम समझ में आ रहा होगा, ये लोग इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट 4 क्लासेस ले चुके हैं. यस सर. राइट, सो 2-3 दिन तुम्हें लगेंगे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में, राइट, 2-3 डेज यू विल हैव टू कीप सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस. सो द सेकंड पार्ट, coming to the second part, Samriddhi, shall I discuss the second part or it was the matlab first part se samajh mein aa gaya, second part kaise karna hai, ye discuss kar dun sir? Kar dijiye. Acha chalo beta dekho, aaiye second part bhi dekhte hain. Again sochne ki zarurat hai ki kare kaise, theek hai. First thing is again the same thing, what, ki ye hamare paas ek triangle hai, राइट, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड, ये तीनों एंगल्स जो हैं एक ट्रायंगल से हैं, एज द सम दे सम अप टू 180, दे सम अप टू पाई, तो ये एक हमारा एंगल है, कोई भी ये हमारे ट्रायंगल के ये तीन एंगल्स हैं, ठीक है, दे रखे हैं हमने इसको ए बी सी एज इट इज, हमने एज्यूम कर दिया, ठीक है. अब यहाँ से देखो बेटा, जब ये एक्सप्रेशन मैं देखता हूँ, मुझे कहाँ जाना है, एक्स की पावर 4 चाहिए, राइट, एक्स की पावर 4 अगर मैं देखूँ तो एक्चुअली में ये साइन स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 4 है, कॉस रेज पावर 4 है, और सॉरी साइन बी रेज टू द पावर 4 है, और ये साइन सी रेज पावर 4 है. अगर मैं इसको अपने तरीके से आसान करके देखूं तो हमें ये इस फॉर्म में दिखना शुरू होता है, ठीक है. तो ऐसा करते हैं कि ये जो गिवन है इसको हम लोग
साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, और सी को उस तरफ लेके जाते हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई समथिंग ऑफ द फॉर्म कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, कुछ इस तरह की चीज हम अप्लाई कर पाए। अगर तीन एंगल्स होंगे तो परेशानी होगी, इसलिए एक एंगल को उठा के मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास बच रहा है साइन इनवर्स सी। नाउ इफ आई टेक कॉस ऑन बोथ द साइड्स, इफ आई टेक कॉस ऑन बोथ द साइड्स एज देयर एंगल, आई कैन टेक एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बिफोर एन एंगल। सो आई एम टेकिंग कॉस ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, कॉस ऑफ दिस। Now we know that cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, and cos of pi minus theta is minus cos theta. ठीक है, तो इधर left hand side पे जो expression मेरे पास आ रहा है मैं उस पर लिखूंगा, this is cos a cos b. a कितना है मेरे पास, a ये वाला angle है, this is sin inverse x, cos a cos b which is sin inverse y minus sin a sin b. So sin of sin inverse x. Samriddhi, समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. Sin of sin inverse y. And the right hand side we have left with cos of pi minus theta, which is minus cos theta. So it is cos of, and what is theta here? It is sin c, sin inverse c. ठीक है? तो वी अराइव्ड एट अ स्लाइटली सिंपलर, यहाँ पे ये सी नहीं है, जेड था, सॉरी यहाँ जेड था ना बेटा, मैंने उसको बाय मिस्टेक सी लिख लिया था, प्लीज रेक्टिफाई दैट, सो दैट वुड बी सी, जेड, मैंने इसको जेड कर दिया। ओके, अब मुझे मालूम है कि कॉस को अगर हमने कॉस इनवर्स से कैंसिल करना है तो इसको हम लोग एक्स में, इसको कॉस में लेके आते हैं, राइट? ये चीज हमने कल की क्लास में सीखी थी, हम इसमें ट्राइंगल मेथड बहुत इजीली, द इजीएस्ट वे टू डील इन सच सिचुएशन इज गो फॉर द ट्राइंगल मेथड, राइट? साइन इनवर्स एक्स, अगर ये एंगल मेरा अल्फा है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन अल्फा कितना हो गया, एक्स अपॉन वन, ठीक है, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर मैंने अल्फा को कॉस में लिखना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज कॉस इनवर्स बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस विच इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस थिंग कैन इजिली बी रिप्लेस्ड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। समृद्धि, इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। राइट, एंड सिमिलरली दिस आई वुड स्ट्रेट अवे राइट इट एज वन माइनस वाई स्क्वायर विदाउट गिविंग यू एनी रीजन, एज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस साइन इनवर्स एंड साइन, नो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, एक्स वाई। एंड नाउ अगेन अप्लाइंग द सेम थिंग हियर, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है? तो वी अराइव एट दीज कंक्लूजंस। नाउ व्हेन आई सी माय एक्सप्रेशन, दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ दिस एंड एक्स वाई इधर। कभी अब इस तरह की अलजेब्रिक सिचुएशन पे आप 9th 10th क्लास में भी पहुंचते थे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपके टीचर्स आपको हमेशा ये बताते होंगे कि अंडर रूट वाली चीजों को एक तरफ रखो, ताकि स्क्वायर करने पे तुम्हारे पास मिनिमम अंडर रूट वाली चीजें बचनी चाहिए। तो मैं इस एक्सप्रेशन को एक साइड पे रखूंगा और दूसरी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है? मतलब ये जो माइनस एक्स वाई है इसको उठा करके इधर ले जाऊंगा, ये मुझे प्लस एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है? और फिर मैं इसे स्क्वायर करूंगा, सो दैट एट लीस्ट आई एम फ्री फ्रॉम वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स, ठीक है? आओ देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये ट्राइंगल यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ और इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसको हमने स्क्वायर किया, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम लेफ्ट विद वन माइनस एक्स स्क्वायर, 1 minus y square, and on the right hand side it is a minus b, a minus b whole square is a square plus b square, which is 1 minus z square minus twice of ab. So this is xy and under root of 1 minus z square. I'm sure you understand. ये अब क्या करेंगे, ये सारी चीजें एक तरफ लेके जाएंगे सिंप्लीफाई करके, और ये अंडर रूट वाली चीज को एक तरफ रहने देंगे, स्क्वायर करोगे एक बार फिर से, यू विल रीच टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। कर पाओगे या कर दो? कर लेंगे सर। ठीक है, कुछ इसके बाद सिर्फ एक स्टेप रह गया बेटा, इसको एक तरफ ले जाना, बाकी सारी चीजों को सिंप्लीफाई करके एक तरफ ले आना, स्क्वायर करना, यू विल गेट दिस आंसर। सो आई होप दैट इज ओके। चलो भाई, आज लॉग इन करने में काफी टाइम गया और उसके बाद फिर डाउट्स भी आपने थोड़े ठीक ठाक पूछ लिए, जिसको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करने लग गया। चलो देखते हैं।
So we proceed to today's class, right? Almost we have 20-25 minutes left. देखते हैं, ठीक है? कुछ extra भी कर लेंगे. इसके बाद कोई class तो नहीं आप लोगों की? किसी class है तो बता दो. 4 o'clock किसी class तो नहीं? Sir है, हमारी है. अच्छा, चलो कोई नहीं. 4-5 तक मैं finish कर दूँगा. No problem. I'll take just 5 minutes extra. देखो, शुरू करते हैं. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखो इसमें ये चीजें ध्यान रखने के लिए मैं थोड़ी सी तुम्हें हेल्प करता हूँ. देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब की जो रेंज थी, ये सिर्फ दो तरीके से थी. एक थी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, कहीं पे ओपन कहीं पे क्लोज, वो मुझे उम्मीद है आपको ध्यान होगा, मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा आपको. और कहीं पे जीरो से फाइव, राइट? ये किस किस के लिए था, ध्यान से सुनना, बहुत इजीली तुम्हें ये परमानेंटली याद हो जाएगा. ये साइन इनवर्स एक्स के लिए था, इसके अपोजिट के लिए था विच वाज कोसेक इनवर्स एक्स, और टैन इनवर्स एक्स के लिए था, ठीक है? साइन इनवर्स में यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है? कोसेक इनवर्स में ये क्लोज रहता है, बस इसमें जीरो नहीं होता. टैन इनवर्स में ये ओपन हो जाता है, ठीक है? और जीरो से पाई वाला अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये किस किस में था, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स के लिए था, इसका अपोजिट सेकंड वर्स एक्स के लिए था, और कॉट इनवर्स एक्स के लिए था, ठीक है? तो जहां भी जीरो से पाई है, राइट? अब यहां तो नेगेटिव एंगल्स अलाउड है ना, साइन कोसेक और टैन में नेगेटिव एंगल्स अलाउड है, इसीलिए तुम अगर ध्यान से देखो किसमें, साइन कोसेक और टैन, इसमें नेगेटिव एंगल्स अलाउड है. तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, माइनस ऑफ कोसेक, बिकॉज़ यहां नेगेटिव एंगल्स अलाउड है, ठीक है? जिसमें नेगेटिव एंगल्स नहीं है वहां प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास जीरो से पाई के बीच में है, वहां पे स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, अगर वो माइनस रहा तो वो पाई में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. सेक इनवर्स सिमिलरली पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स को क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है? इसके पीछे का रीजन भी अगर हमें समझना है तो वो भी बहुत ईजी है, राइट? कुछ खास नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ वही पुरानी चीज जिसको मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना. इसके पीछे का रीजन ये है कि सारे आंसर्स हमारे प्रिंसिपल रेंज में होने चाहिए, इसी वजह से नेगेटिव जहां पे अलाउड है वहां हम लोग एज इट इज नेगेटिव कर देते हैं, जहां नेगेटिव अलाउड नहीं है, जैसे कॉस में नेगेटिव नहीं है, राइट? आपके पास सेक में नेगेटिव नहीं है, कॉट में नेगेटिव नहीं है, तो उन केसेस में हम उसको पाई से सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो दैट आई गेट द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? आइए इस पे भी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा. आइए लेट अस प्रोसीड. अच्छा, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी दैट हैज बीन यूज्ड इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट? दिस इज द व्हेन यू हैव इनवर्स एंगल्स, राइट? जैसे साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है? जैसे सपोज करो अगर तुम्हारे पास साइन इनवर्स 4/5 है तो आप इसको कोसेक इनवर्स 5/4 भी कह सकते हो, है ना? वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी ये वाली बात. बेटा ये इनवर्स होता क्या, एंगल ही तो होता है, ठीक है? सपोज करो ये एंगल अल्फा था, तो साइन अल्फा कितना हो गया, 4/5, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 3. तो क्या ये जो एंगल अल्फा है इसको या तो मैं साइन इनवर्स 4/5 लिखूं या फिर मैं इसको कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स क्या होता है, h/p, तो ये कितना, कोसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, 5/4, तो एक ही बात तो है, ठीक है? सिमिलरली कॉस इनवर्स में भी ये वाली चीज एप्लीकेबल है, टैन इनवर्स में भी एप्लीकेबल है, राइट? बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, सिर्फ एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर ये, अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमारे पास साइन है, राइट? ये -1 से +1 होता है, ये जीरो क्यों नहीं होता है, ये बात आप बहुत इजीली समझ रहे हो क्योंकि कोसेक जीरो पे अनडिफाइंड हो जाएगा. सिमिलरली ये क्यों नहीं अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा सेक अनडिफाइंड हो जाएगा जीरो पे, इसीलिए डोमेन से ये वाली चीज हट गई है. डोमेन आपका -1 से +1 था, किसके लिए, कॉस के लिए, बट सेक के लिए तो नहीं था ना. तो अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा. मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि कभी भी अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं fx और gx इज इक्वल टू hx और अगर आपको डोमेन पूछा गया है कि hx का कितना होगा, तो जो भी इसका डोमेन है और जो भी इसका डोमेन है उसका जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज द डोमेन ऑफ दिस, तो इसके दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो यही होगा, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है? tan inverse के फॉर्म में इट इज इक्वल टू cot inverse ऑफ 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन इट इज लेस देन 0 देन इट इज cot inverse 1/x - π. नाउ दैट इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड एंड टू बी टेकन केयर.
Similarly, cot inverse x, again, all these things happen because of the same reason. What? The principal value. ठीक है, सारी चीजें उसी वजह से होती हैं. ठीक है, आइए क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं. हालांकि आज हमारा टारगेट था कि 4.9, 4.10 दोनों कर लें, बट कोई बात नहीं, नो इश्यूज. हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है. तो 4.9 आज सही तरीके से समझ के डिस्कस करते हैं, 4.10 के बेसिक्स और जो एक्सरसाइज है वो हम लोग कल कर लेंगे. आयुष का एक डाउट था, राइट, मैं उसको बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ 4.9 मैं वो बता दूं आयुष के लिए कि बेटा ये जो आपका डाउट था ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, राइट, ऐसा नहीं है मैंने उसको हटा दिया है. बट हाँ, ये करने के लिए आपने भी, आपको भी बताया कि ये 4.9 के बाद जो बेसिक्स हैं जो भी डिस्कस हमने नहीं किए हैं ये उस पर बेस्ड है. तो एक बार जब ये फिनिश कर ये वाली प्रॉपर्टी वगैरह कर लेंगे तो उस डाउट को करेंगे बेटा. दैट इज डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन है. हाँ, उसको हम करेंगे, लेकिन वंस वी आर डन विद द बेसिक्स ऑफ दैट टॉपिक तो उसको करेंगे. ठीक है, आइए लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चंस. लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड हाउ टू डील विद देम. नाउ जनरली द एक्सरसाइज स्टार्ट्स विद द इजी वंस, सो डेफिनेटली द फर्स्ट वन इज वेरी इजी. आई विल डू सम ऑफ देम फॉर यू. लेट्स से रैंडमली मैं 1 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 3 कर देता हूँ. ध्यान से देखना कैसे करते हैं, स्कूल लेवल क्वेश्चंस हैं, स्कूल लेवल तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सो दैट द टीचर डजंट डिडक्ट एनी मार्क्स. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 7/25, राइट. और हमने इस बात को अभी अभी पढ़ा है बेटा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. पढ़ा क्या? डेफिनेटली यस. कहां कहां पे ये माइनस एज इट इज हो जाएगा? साइन में, टैन में और कोसेक में. और इसके अलावा, इन तीन के अलावा बाकी जो होंगे उसमें क्या बन जाएगा? ये पाई माइनस दैट पार्टिकुलर एंगल, जो भी है. ठीक है, यही वाली चीज तो अभी पढ़ी है हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में. दिस इज वॉट वी हैव जस्ट स्टडीड चिल्ड्रन. ओके, सो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, दिस विल बी टेकन एज वॉट? साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे कॉस ऑफ, नाउ दिस इज व्हाट, साइन माइनस ऑफ साइन ऑफ दिस. सो दिस इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स 7/25. नाउ आई होप यू रिमेंबर अगेन समथिंग फ्रॉम क्लास 11th. कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? इट इज प्लस कॉस थीटा. ठीक है, दैट इज प्लस कॉस थीटा. तो आई विल राइट इट एज cos of the minus sign is absorbed and this is 7/25 as it is. इसके बाद जो हमें करना है वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं. क्या? ट्राइंगल बनाओ और ये जो साइन इनवर्स है इसका cos वाला कॉम्पोनेंट चेक कर लो. साइन इनवर्स है perpendicular upon hypotenuse 7/25. What is going to be the base? 25 minus this, under root लोगे, ये exactly 24 निकल के आएगा. तो मैं इस साइन इनवर्स 7/25 को कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी क्या लिखूंगा? 24/25. सो आई होप द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी पॉजिटिव 24/25. ओके, दैट वुड बी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज इजी एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सबको इजीली समझ में आया होगा. स्टिल आई विल सॉल्व 2 मोर क्वेश्चंस जस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन दीस क्वेश्चंस. ठीक है, टाइम कम है तो आज मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूँ. So that at least this exercise is done properly. Okay. The second part of the third part rather, it is cot of sec inverse minus 13/5. Okay. Minus 13/5. ठीक है, I'll change this bracket. अब देखो sec है, अभी अभी मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था कि एंगल आपका किस चीज में चेंज हो जाएगा? पाई माइनस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज कॉस सेक और कॉट ये जो एंगल्स हैं ये पाई में, बिकॉज जीरो से पाई के बीच में ही होते हैं, तो नेगेटिव में ये नहीं जाता. इसको मैं क्या लिखूंगा? पाई माइनस थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज सेक इनवर्स ऑफ 13/5, बिकॉज माइनस साइन तो अब हमने कंज्यूम कर लिया प्रॉपर्टी लगा के. नाउ व्हाट इज कॉट पाई माइनस थीटा? इट इज माइनस कॉट थीटा. ठीक है, इट इज कॉट पाई माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस कॉट थीटा. I understand some of you have not done trigonometry properly, तो ये चीजें शायद आप बहुत comfortable ना हो. 11th का batch आज evening से start हो रहा है, जब कोई भी trigonometry होगी मैं आपको बता दूंगा.
आप प्लीज उसको अटेंड कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिगोनोमेट्री डायरेक्टली काम की नहीं है बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा काम की है ट्वेल्थ में भी और कॉम्पिटिशन में भी। ठीक है, तो जिन लोगों ने जो ये चीजें ध्यान में उनको नहीं आ रहा है कॉट पाई माइनस थीटा डायरेक्टली आप कैसे बता रहे हो, मैं इसका तुम्हें रीजन दूंगा, रटवाऊंगा नहीं, रीजन दूंगा, तुम्हें समझ में आएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, तो जब अभी 11th का बैच शुरू हो रहा है तो उसमें आप उसमें अटेंड करना, मैं आपके साथ यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर दूंगा ट्रिगोनोमेट्री की। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ कॉट थीटा, माइनस ऑफ कॉट थीटा, थीटा इज sec इनवर्स, दिस इज sec इनवर्स 13/5। अब वही पुराना काम करना है हमने, क्या ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना के फटाफट से सॉल्व कर देना है। राइट, ट्रायंगल बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है आपने। This is your angle alpha and sec inverse alpha is this. What is sec theta? Sec theta is hypotenuse upon base. So can I find the perpendicular? Definitely yes. 13 minus 5, 169 minus 5 is 144. 144 का square root is 12. ठीक है? तो अगर मैं इसको cot में convert करूँगा तो cot कितना होता है मेरा? Cot होता है base upon perpendicular. So that is going to be what? 5 upon 12 with a negative sign. तो आंसर चेक कर देना, मेरे ख्याल से माइनस 5 अपॉन 12 होना चाहिए, इसका माइनस 5 अपॉन 12 होना चाहिए। आओ देख ही लेते हैं, ऐसे तो ठीक ही होगा बट फिर भी 1 का थर्ड ठीक है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करेंगे बिफोर वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस शीट से। अगर कोई आपकी चॉइस है तो आप बता सकते हो बच्चों, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक चॉइस यू कैन ऑलवेज टेल मी। You know that your choice is always given the priority. Okay, so I'll solve as you are not giving any choice. I'll go for the third part. This is cos of tan inverse of minus 3/4. Tan hai beta, tan, sine or cosec. Negative mein jayenge, to main isko straight away likhna chahunga. Minus of tan inverse 3/4. Again, what? Cos of minus theta is what? It is plus cos theta. So this can be written as cos of tan inverse 3/4. And up is tan inverse. Ke liye, bas. Fatafat se triangle banaya, kaam khatam. Tan inverse, okay. This perpendicular upon base. This is going to be 5. Cos kitna hota hai? For base upon hypotenuse. So I'm sure the answer must be 4/5. Okay? इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से होना चाहिए था। 2 का थर्ड पार्ट 4/5। अभी तक जिसको समझ में आया है 2 का थर्ड पार्ट, बिल्कुल सही। जरा अपने अपने हाथ ऊपर करके बताओ, जरा समझ में आ रहा है कि नहीं। लेट मी सी योर हैंड्स फास्ट। प्राची अपना माइक ऑन करना बेटा। प्राची तुम्हें समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है? कितना परसेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir, थोड़ा बहुत समझ जो 11 से है वो सब समझ में आ रहा है। अच्छा, that's very good. Rachi, most of them are from Bareilly. One girl is from Jhansi. And Rachi, you are from which place, beta? West Bengal, Asansol. West Bengal. So I welcome you to our city, to our to this online classes. And I'm glad that people from other parts of the country are joining us. So we all welcome you, beta. एंड अभी थोड़ा सा दो तीन दिन बस थोड़ा अपना पेशेंस रखना, नहीं तो परेशानी होगी। चलो एक लेट्स डू वन मोर द लास्ट क्वेश्चन मे बी फॉर टुडे। राइट, आज की जो मेरी प्लानिंग थी थोड़ी सी कम एग्जीक्यूट हुई। मैं ये भी कराना चाहता था, फिर ये कराता और फिर मैं यहाँ पे आता, बट आज लॉग इन में भी आपने काफी टाइम लिया। राइट, वट एवर बी द टेक्निकल ग्लिच, अपना ये ऐप अपडेट रखा करो ना एज वी आर यूजिंग दिस ऐप। तो आज शायद जिनको लॉग इन में परेशानी आई इस वजह से क्योंकि उनका ऐप अपडेटेड नहीं था। सो आई वुड सजेस्ट इस तरह की फ्यूचर प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए ऐप को अपडेट रखो बच्चों। ठीक है, लेट्स सी दिस। नाउ दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 3/5 एंड कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 5/12। ओके, अब ये दोनों एंगल्स ही हैं। राइट, प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग इनवर्स के फॉर्म में देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर यही चीज कुछ ऐसी दिखती है तो हमें बहुत इजी लगने लग जाता है क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है, ये हमने पढ़ रखा है, ये बेसिक सी बात है। तो अगर मैं इसको सिंपली ए और इसको बी ले लूं तो कोई टेंशन नहीं है ना। कैन आई टेक इट? डेफिनेटली यस। राइट, या फिर आप अगर कहो तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। राइट, लेट मी हेल्प यू। जैसे
यहाँ ये cos inverse of minus 3 by 5 है, यहाँ right side पे लिखता हूँ, तो cos inverse of minus 3 by 5, अभी अभी मैंने कम से कम तीन बार चार बार इतनी देर में बोल दिया, क्या cos sec cot माइनस में एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या बन जाएंगे, पाई माइनस कॉस ऑफ टैन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टाइम नहीं लगाना इसमें आपको, द फर्स्ट थिंग अबाउट दिस, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड थिंग इज कॉट, इवन दैट वुड बिकम व्हाट, दिस इज कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थ्री, सॉरी दैट्स 5 बाय 12, माइनस ऑफ 5 ओवर 12, सो दैट वुड बी पाई माइनस cot inverse of 5 over 12, okay, now when you look at these two things you must realize that ultimately you are going to add them, to ye kya hone wala hai 2 pi minus of this, dono minus minus mein, to main isko thoda sa simplify karke yahan pe likh deta hu, theek hai, ye properly aap steps ke form mein agar school exam mein aa rahe to proper steps ke form mein likhna aap aise, theek hai, main yahan pe straight away directly likh raha hu, this is sin of adding the two angles, that would be twice of pi minus cos inverse 3 over 5, एक और माइनस है, मैं ऐसा कर रहा हूँ ये माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ और ऊपर एक बार ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो ये बार ब्रैकेट के ऊपर मेरे पास प्लस आ रहा है, cot inverse 5 over 12, ओके 5 over 12, नाउ दिस इज cos ऑफ sin ऑफ 2 पाई माइनस थीटा. If you remember, 2 pi minus theta comes in the fourth quadrant and sine of 2 pi minus theta is nothing but minus sine theta. That will be minus sine theta. So you will be left with minus of sine of theta. And what is theta here? The theta is this entire thing, which is cos inverse 3 over 5, cot inverse 5 over 12. Okay? So Now, अब ये बहुत इजी बन गया, ये कुछ और नहीं बचा, ये बचा आपके पास माइनस साइन ए प्लस बी, कुछ नहीं, माइनस साइन को एज इट इज बाहर रहने दो और साइन ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट लगाओ, साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो दिस इज साइन ए, ए इज कॉस इनवर्स 3/5, साइन ए कॉस बी, ओके, कॉस इज बी, कॉस बी इज कॉट इनवर्स 5 over 12. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, मैं आपको, आपको पता है जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट में आईआईटी के क्वेश्चंस भी करते हैं, राइट, एडवांस के भी, मेंस के भी. प्राची यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आप उस तरह की क्लासेस अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, जनरली जो लास्ट क्लास होती है उसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पिक कर लेते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल ये बेसिक क्लास में, तो ये ITF में तुम्हें ये बता रहा था कि ITF के किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आपको मुश्किल नहीं लगेंगे अगर आप उसको ट्रिगोनोमेट्री से और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करके करोगे तो, ठीक है, तो ये हमने लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, नाउ व्हाट इज कॉस ए, ए इज कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 एंड साइन बी, सो साइन बी, बी इज व्हाट, इट इज कॉट इनवर्स ऑफ 5/12, ठीक है, दिस इज योर केस, अब कुछ नहीं करना, वही ट्राइंगल मेथड यूज करना है, राइट, ट्राइंगल मेथड यूज करके फटाफट से इसकी वैल्यूज कर देनी है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, कर ही देता हूं, कर लेते हैं, इधर लिखना शुरू करते हैं, तो कॉस इनवर्स 3/5 को मैं अगर साइन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं, कॉस इनवर्स 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज गोइंग टू बी 4, तो साइन के फॉर्म में कितना हो जाएगा 4/5, तो ये जो पहला टर्म है this will be nothing but 4/5, ठीक है, यहाँ पे cot inverse 5/12 है, ओके, इसी ट्राइंगल में कर लेते हैं, cot inverse 5/12, that means cot is what, base upon perpendicular, ये 12 है, ये 5 है, under root of 144 plus 125, that will be 169, which is 13, ठीक है, cos में अगर convert करता हूँ, cos कितना होता है, base upon hypotenuse, so it is going to be 5/13, 5/13, ठीक है, the second part, cos inverse of this, वो तो कोई टेंशन नहीं, वो straight away हमें value लिखनी है 3/5, now this is what cot inverse 5/12, okay, this is the same value, ठीक है, यही same triangle है, और अगर मैं इसमें sin, बिल्कुल सही, triangle के form में लिखता हूँ, तो it is coming out to be 12/13, ठीक है, so
and don't forget you have a minus sign in the starting. Okay, so the final answer should be, I'll keep this denominator as it is, which is 65, 35 to 65. The first place we get 20, the second place we get 12 threes are 36. So I hope the answer is minus 56 over 65. Minus 56 over 65, which is definitely the correct answer. So children, even when you get very lengthy questions, just have the patience. Right, mathematics is a subject. अगर समझ के करते हो, थोड़ा patiently करते हो, तो बड़े से बड़े questions को बहुत आसानी से कर पाओगे. ठीक है? तो थोड़ा सा patience हमेशा रखो और basic concept के साथ समझ के करने की कोशिश करो. किसी भी चीज को रटने की कोशिश ही नहीं करनी है तुम्हें. समझना है, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, ना समझ में आए 10 बार पूछो. राइट, मैं इंडिविजुअली भी अभी बच्चे, अभी 11 से 12 भी मैंने एक बच्चा था बाहर का, देहरादून का था वो, उसने, उसको मैंने पहले बैच में दिया था टाइम, उसने बोला सर नहीं समझ में, ठीक है भाई चलो अलग से कर लो. ठीक है, आपने भी अभी कुछ दिन पहले डाउट के लिए टाइम लिया था, मैंने आपको अलग से टाइम दे दिया था. तो इस तरीके से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि तुम हर चीज को समझ के करो. रटने का कोई स्कोप नहीं है, रटने की कोई जगह नहीं है मैथमेटिक्स में. प्लीज डोंट ट्राई टू क्रैम एनी थिंग इन मैथ्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग एंड ट्राई टू रिलेट इट टू द बेसिक नॉलेज दैट यू हैव ग्रैब्ड. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज क्लास. Right, we could deliver very less things today, but yes, discussing your doubts was equally important. So we'll meet tomorrow. Tomorrow, 11 से 12 हो सकता है. कल मैं उसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दूँ. कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक दो बच्चे और बाहर के और भी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, वो टाइम उनको सूट नहीं कर रहा बिकॉज उनकी क्लासेस, स्कूल क्लासेस उस टाइम पे होती है. तो कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा हूँ अभी, वो फंक्शंस की क्लास ले रहा हूँ, जो कुछ बच्चों का छूट गया है, दे कैन ज्वाइन फॉर दैट क्लास. ठीक है, सो सी यू टुमारो. 3 to 4 ये रेगुलर बैच में जो चल रहा है वही चलेगा. एक एक्स्ट्रा क्लास जो चल रही है आज, उसमें मैंने रिलेशंस कराया और कल मैं उसमें फंक्शंस करने वाला हूँ. फंक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली जो लोग ठीक से नहीं, अगर आपने पिछले क्लास में वो आपसे मिस हुआ था या आपको नहीं समझ में आया था, तो आप दोबारा से रीअटेंड कर लेना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? नो सर. ठीक है बच्चों, देन see you in tomorrow's class. Right, there would be 2 classes tomorrow, 3 to 4. ITF would continue and there would be one more. Uski main aapko ID aur password share kar dunga. Thank you, bye 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 sir.